देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान हर विधानसभा क्षेत्र में चलाया जा रहा है और साथ ही भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। सिकड़ी में मानधाता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नारायण पटेल द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि मानधाता विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्यों की सौगात केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के लिए दी गई है, जिसमें सड़क, बिजली और पेयजल की मुख्य समस्याओं पर ध्यान देते हुए अनेकों विकास कार्यों को कराया गया है। इन 4 साल के कार्यकाल में ऐसी क्या उपलब्धियां जो आप आने वाले चुनाव में लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? सर्वप्रथम आज वैसे तो समूचे भारत में, मध्य प्रदेश में, खंडवा जिले में और बूंदी में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष पूर्ण होने पर आज पत्रकार वार्ता विशेष मानदाता के बूंदी में रखी गई है। इस पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से उपस्थित हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, ऐसे समस्त हमारे भाइयों को 9 वर्ष पूर्ण होने पर मैं मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की ओर से और हमारे यहाँ जितने भी बैठे हैं इनकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई करता हूँ। देखिए, आपने जो अभी प्रश्न किया है कि 4 साल नहीं, आज 9 साल का हिसाब हम देने वाले हैं। जब देश की सियासत पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सियासत पर सदन में गए, तब उन्होंने, आपने देखे आपकी मीडिया के माध्यम से ही, सबसे पहले उन्होंने उस सदन को प्रणाम किया और वो संकल्प ये था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कोई वर्ग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी को एक साथ लेकर मैं चलूं, ऐसी उन्होंने वो अपनी कामना करी और उस राह पर चल पड़े। 9 साल के उनके अपने कार्यकाल की मैं बता रहा हूं अभी, क्योंकि आज का विशेष अभियान हमारे मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर, वैसे तो एक महीने 30 तारीख से अगली 30 तारीख तक सतत हमारे पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है। देखिए, मोदी जी के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के वो गरीब वर्गों के लिए है, अभी धनगांव में मैंने 7 करोड़ का अभी 8 दिन पहले एक भूमि पूजन किया, कई वर्षों से मांग चली आ रही थी, असंभव था नदी का पुल, मगर इतना सम्मान उनने किया मेरा, हमारे साथियों का, कि वो 3 गांव के लोग पूरी तरह गदगद हो गए और उनने बहुत हमको दुआएं दी हैं। ऐसे ही जीवन ज्योति योजना के में भी जो दुर्घटना जो होती है उसके तहत भी हमारे सरकार की ओर से वो परिवार बड़ा दुखी रहता है। मुख्यमंत्री बाला बच्चन भी आए थे, उन्होंने कहा कि हम 150 सीटें ला रहे हैं, इतनी आपकी योजनाओं के बावजूद आपका क्या आकलन है? देखिए, मैं जहाँ हूँ वहाँ बात कर रहा हूँ, विपक्ष से उनकी जाने, उनका चाहे जो प्लान है, चाहे जो बोलना है, आपका क्या आकलन है? नहीं, मेरा आकलन ये है कि देखिए, 150 से 200 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी और क्यों आएगी? आज तुम जाओ, गांव में जाओ, हमारी महिलाओं को इतनी सारी योजनाओं का लाभ मिला है, हमारी महिलाएं हमारे को साथ देगी, हमारे किसान लोग साथ देंगे। देखिए, जब चुनाव होते हैं, आदमी मतदान पे जाता है, हमारा वोटर मतदान पे जाता है, जब सोचता है 10 बार कि कौन सी पार्टी को वोट करूं और कौन व्यक्ति को वोट दूं,
निश्चित सोचता है और वो उसका अपना खुद का निर्णय रहता है और निर्णय के माध्यम से उनको वो। खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।